हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि देख पा रहे हैं, फोर्ड की इको स्पोर्ट है, 2016 का मॉडल है, डीजल कार है। इसका मैं एसी चालू रखा हूं, जैसा कि देख पा रहे हैं एसी ऑन है, ब्लोअर भी चालू है, तीन पे है, बट कूलिंग टेम्परेचर देख रहे हैं 16.8 पे आया है, यानी कम से कम नीचे इसका कूलिंग आ रहा है 13-14 पे आ रहा है, जो कि 7-8 तक कूलिंग आना चाहिए। इसका कूलिंग हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें गैस भी सब प्रॉपर है, गैस वगैरह का कुछ लफड़ा नहीं है, इसका कंप्रेसर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, इस वजह से कूलिंग नहीं हो रही है। तो मैं आपको बाहर दिखा देता हूं। जैसा कि देख पा रहे हैं, गाड़ी अभी चालू पोजीशन में, एसी ऑन है, तो चलो बाहर चलते हैं, देखते हैं इसका कंप्रेसर पंपिंग क्रिएट नहीं कर रहा है, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है। तो चलो फिर मैं आपको बाहर लेके जाता हूं और दिखाता हूं कंप्रेसर कितना पंपिंग बना रहा है। तो चलो फिर बाहर चलते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये लो वाला लगा हुआ है, ये हाई वाला लगा हुआ है, और कंप्रेसर ऑन पोजीशन में है। क्लियर तो नहीं दिख रहा है यहाँ से, लेकिन कंप्रेसर ऑन है और मशीन में लगा हुआ है। जैसा कि देख पा रहे हैं, लो प्रेशर कितना 40 पे आ रहा है, जो कि 25-20 पे आना चाहिए, और हाई प्रेशर 100 पे बता रहा है, जो कि पंपिंग बना ही नहीं रहा है, इस वजह से 100 पे, जो कि 150-200 के बीच आ रहना चाहिए। तो इसमें मैं करने वाला क्या हूँ, एक कंप्रेसर वाल आता है, इसको रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस करके देखेंगे पंपिंग बराबर बनाता है क्या नहीं। तो चलो फिर मैं इसका कंप्रेसर का वाल कंट्रोल वाल चेंज करूँगा और देखूँगा कंप्रेसर पंपिंग होता है क्या नहीं। तो चलो फिर लगते खोलने के लिए। तो सबसे पहले मैं गैस रिकवर कर लेता हूँ इसका खोलने के लिए। तो गैस रिकवर होने देते हैं, फिर आगे कंप्रेसर का कंट्रोल वाल्व खोलेंगे, फिर आगे आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली अपना रिकवरी कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं कंप्रेसर कंट्रोल वाल्व खोलने जा रहा हूं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, ये रही इसका कंप्रेसर, और इधर है इसका कंट्रोल वाल्व। इसमें एक लॉक रहेगा, ये लॉक खोलता हूँ, फिर कंट्रोल वाल्व को बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, फाइनली लॉक खोल दिया हूँ और ये वाल्व निकल चुका, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाली लॉक रहती है इसमें, और मैं इसमें दूसरा वाल्व डालने जा रहा हूँ, ये वाली वाल्व फ्रेश वाल्व डालूंगा, जैसा कि देख पा रहे हैं, इसको ऐसे इधर डालने का और थोड़ा टेस्ट कर देने का। लॉक हो गया और मैं ये लॉक लगा देता हूँ, लॉक लगा के फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, लॉक भी बैठा चुका हूँ मैं, एक बार लॉक आप चेक कर लें, प्रॉपर बैठ जाना चाहिए, नहीं तो बाद में निकल गया गैस चार्जिंग करने के बाद तो फिर वो भी लफड़ा हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर फिट कर दिया हूँ, तो चलो फिर आगे वैक्यूम वगैरह करके दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि देख पा रहे, मैंने ये वाली वाल रिप्लेस कर दिया, और हाई लो दोनों लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो चलो फिर मैं इसको वैक्यूम में ले लेता हूँ। दस मिनट के लिए वैक्यूम लगा दिया हूँ, फिर चलो 10 मिनट बाद वैक्यूम होने के बाद फिर मिलते हैं आपको। जैसा कि देख रहे हैं, वैक्यूम कंप्लीट हो चुका। अब मैं इसमें गैस चार्जिंग कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑयल मार देते हैं। सारे 400 ग्राम गैस मारता हूँ उसमें। तो जैसा कि देख पा रहे, गैस फिल हो चुका, तो चलो फिर अंदर गाड़ी चालू करके देखते हैं पंपिंग कैसा बना रहा है। तो जैसा कि देख पा रहे, फाइनली गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और गाड़ी अभी चालू कर चुका हूँ, एसी चालू रखा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कूलिंग टेम्परेचर तो अभी नहीं देखेंगे, चलो पहले बाहर देखते हैं पंपिंग बना रहा है क्या नहीं, पंपिंग बनाएगा तो कूलिंग भी होगा। तो चलो बाहर देखते हैं जाके। जैसा कि देख पा रहे हैं, लो वाला लगा हुआ है, हाई वाला लगा हुआ है, गाड़ी चालू है, पंपिंग आप देख लीजिए, देख पा रहे सक्शन प्रेशर कितना 10-15 के बीच आ गया, यानी पंपिंग बराबर बना रहा है, और हाई प्रेशर भी देख लीजिए बढ़ गया, 150 के बीच में आ गया, यानी कूलिंग अभी बराबर होगा। तो चलो फिर अंदर देखते हैं कूलिंग कितना आ रहा है।
तो हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे फाइनली मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। जैसा कि देख पा रहे गाड़ी चालू है और बाहर पंपिंग भी दिखा दिया कितना पंपिंग आ रहा था। और मैं एसी चालू रखा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे एसी का बटन ऑन है, लोड 3 पे है और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 4.7 पे आ चुका, 4.9 ट्रिप मार दिया अभी। यानी अब जैसा कि आपको आप देख सबको समझ में आ गया रहेगा, ये वाली जो कंट्रोल वाल मैंने चेंज किया इसके वजह से कितना कूलिंग में इफेक्ट आ गया। यानी कूलिंग पहले हो ही नहीं रहा था, लगभग कूलिंग 16-17 पे आ रहा है, जो कि इसका कूलिंग टेम्परेचर इतना है जैसा कि आप देख पा रहे 4 पे आ चुका था कूलिंग। पहले कितना 16, काफी टाइम चालू रखने के बाद पहले 14 पे आ रहा था कूलिंग, जो कि इसका कूलिंग टेम्परेचर 4 पॉइंट पे आ चुका अभी। तो दोस्तों ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि चीजें आपको समझ में आए। जब आपको चीजें समझ में आए ना तो आपके साथ कोई गलत नहीं कर सकता है या गलत नहीं कर पाएगा। यही चीजें लेके आप कहीं जाते हैं अगर सर्विस सेंटर में, तो आपके साथ सबसे पहले यही बोलता है कि आपका कंप्रेसर गया हुआ है, आपका कंप्रेसर, आपको कंप्रेसर नया डालना पड़ेगा। तो इसका कंप्रेसर का रेट अभी मार्केट में कितना है, 22,000 से 25,000 के बीच में है नया ओरिजिनल कंप्रेसर। तो 22,000 से 25,000 का फटका आपको लग जाता है तुरंत। तो यही इसके वजह से मैं आपको ये सब चीजें आपके सामने ला रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए, बाकी और दूसरा कुछ रीजन नहीं, बस यही है। तो मैंने जैसे आपको दिखाया, आपको 100 में से नहीं तो 50% तो समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है, तो इस वजह से ही दिखा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। और मेरे चैनल में आप लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब और करेंगे तभी मुझे खुशी होगी, और आगे जो नए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तभी अच्छी से खुशी से बनाऊंगा और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बस यही है। तो चलो फिर, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।